नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्या लक मैटर करता है, क्या लक मैटर करता है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, स्पेशली आज हम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ जो रहती है वो आप रेगुलरली देखा करें। आप तो लोग मुझे पसंद करना भी शुरू कर गए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे अब 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब लोग मुझे पसंद करते हैं, ठीक है, तो अब मेरी भी ये वीडियोस से सलाह रहती है कि मैं, और जनरली मेरी वीडियोस कनेक्टेड होती हैं, तो इसीलिए आपसे कनेक्टेड होती हैं, यूथ से कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए बच्चे मेरी वीडियोस अब बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आज दिल की बात कहने जा रहा हूँ बड़ी, जैसे मैं हर बार ही कहता हूँ। ठीक है, आप लोगों की दिल की बात बहुत इंपॉर्टेंट। आज टैगलाइन भी आपने देख ली होगी मेरी वीडियो की, कि क्या लक मैटर करता है जॉब के लेने में, कि या सिर्फ हार्डवर्क मैटर करता है। ठीक है, तो भाई मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, जैसा प्रेजेंट सिनेरियो प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन का है ना, प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ 2019 के बाद से, भाई इतनी मैं बात बोल के जा रहा हूँ कि अगर 50% आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, तो आप 50% भाई लक का भी चांस हो गया है। सीधी सी बात है, और लक अब मैटर करता ही करता है। ठीक है, लक क्यों मैटर करता है, कैसे मैटर करता है, मैं सब बताता हूँ। आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते कभी कभार आपको क्वेश्चन आता होता है, लेकिन टिक किसी और पे लग जाता है। वहाँ क्या हुआ, अनलकी साबित हो गए आप। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लो आप कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन ऑप्शन सी है, OMR पे डी टिक हो गया, आ गई ना लक की बात। ठीक है, आपका मशीन स्ट्रांग था, पावर सिस्टम स्ट्रांग था, कंट्रोल सिस्टम थोड़ा वीक था। ठीक है, ऐसा होता है, हर बच्चे के पूरे पूरे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होते, पेपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में कंट्रोल सिस्टम से बन गया, हो गए बाहर। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसा आजकल शिफ्टों का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, शिफ्टों का सिस्टम चल रहा है एग्ज़ाम में, खासकर यूपी स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो यूपी स्टेट में जॉब लेना बहुत डिफ़िकल्ट काम है भैया, ये मैं बात बता दूं, क्योंकि स्टेट बहुत बड़ी है, जनता बहुत बड़ी है इसकी, और यहाँ पे जब भी कोई एग्ज़ाम होता है पूरे पूरे लड़के आते हैं वो पेपर देने। ठीक है, और शिफ्टों में एग्ज़ाम होने की वजह से लक फैक्टर खासकर तो डिपेंड हो गया यूपी के किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब ये तो कोई बोलना मेरे को, कोई ऐसे में ऐसे भी नहीं बोल सकता कि तू गलत कह रहा है, क्योंकि ये खुद पे भी तुम पे फैक्टर लागू होता है, तुमने इतने सारे एग्ज़ाम दे लिए हैं, ये तुम्हें पता है। प्रेजेंट टाइम में मैं यूथ को यही सलाह देता हूँ कि वो ये सब बातों को अब वो वाली कहानी पे अब ट्रस्ट करना बंद कर दे, कि आप इतना हार्ड वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एट द एंड आपको रिजल्ट ज़ीरो भी मिल सकता है, ये मैंने सही बात बोल दी है। लक मैटर करता है, वो भी प्रेजेंट के सिनेरियो में, तो खासकर जब से वैकेंसी नहीं आई। मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये जो हल्ला मच रहा है ना, UPPCL JEE की वैकेंसी आएगी इस साल जून के आसपास, बिल्कुल आएगी, हो सकता है अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आ जाए, जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम भी हो जाए, लेकिन उसमें भी कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, अब के जो पास आउट बच्चे हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, फिर यही होता है, खिचड़ी सी पक जाती है, और नॉर्मलाइजेशन भी तगड़े लेवल का होएगा उसमें फिर। ठीक है, तो वहाँ पर भी फिर लक चाहिए, तो लक कहाँ नहीं चाहिए आपको, तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो कि भैया लक नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट का कंपटीशन डिपेंड करता ही आपके हार्डवर्क प्लस लक पे है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं DV में, इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, 0.25 मार्क्स से रिजेक्ट हो जाते हैं वो। मेरा दोस्त खुद DDA के अंदर रिजेक्ट हुआ 0.25 मार्क्स से। अब आप बोलो क्या लक नहीं होता, खुद बोलो, होता है भैया, ये आपको कबूल करना पड़ेगा भाई। जॉब लेते वक्त लक काम आता है, लक हर जगह होता है, कभी कभार स्केलिंग अपने फेवर में चली जाती है, कभी कभार नॉर्मलाइजेशन की फ्लेवर अपने स्लेवर फेवर में नहीं आती। अच्छा, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, मैं ना अभी ना रिसेंटली TG2 की ज्वाइनिंग हुई है UPPCL में, तो मैं TG2 लड़कों के ना इंटरव्यूज देख रहा था, इनके अंदर ना मतलब एक लड़के का, किसी का इंटरव्यू नाम नहीं लेता मैं, लड़के का ही देख रहा था, इंटरव्यू नहीं करने लग जाते फिर ये जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं भैया, हमारे चैनल से पढ़ के निकला हुआ है। ठीक है, चैनल से पढ़ के फुड़ के कुछ नहीं होता, मेहनत लड़के की अपनी ही होती है। पहले तो कोचिंग सेंटर वाले क्रेडिट लेना
अपना छोड़ दें, जिस तरीके के आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तुम्हारा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आ रहा, बच्चे को खुद ही लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमसे पढ़ के निकला है, ठीक है। फिर उसका मैं बता रहा हूँ ये ढिंडोरा, उसके बाद वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। मैं TG2 के लड़के का UPSL का इंटरव्यू देख रहा था, बताओ TG2 में भी ना इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुई है इस बार, ठीक है। उसके बाद भी वो लड़का जो सिलेक्ट हुआ इतने घमंड में बोल रहा ना, मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था, 13 घंटे पढ़ाई करता था, ठीक है, और तब जाके सेलेक्ट हुआ TG2 में। तो ये बिल्कुल रॉन्ग सेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। कम पढ़ाई करने वाला लड़का भी TG2 में आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, अगर उसकी नॉर्मलाइजेशन ढंग की लग गई और लग के चल गया तो। ये सही बात है, और ऐसा हुआ भी है TG2 में भी, अच्छे अच्छे तैयारी करने वाले जो इंटेलिजेंट थे वो बाहर हुए हैं। मैं ITI लेवल पे बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सभी लेवल पे होता है, डिप्लोमा लेवल पे भी, BTech लेवल पे भी होता है, चाहे वो AE का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JE का एग्ज़ाम हो। ये यूथ को, जो युवा लड़के हैं उनको समझना पड़ेगा, तुम्हारा सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता प्रेजेंट टाइम की जो हालत है, क्योंकि दो दो सालों में एक बारी वैकेंसी आ रही है, सारे टूट पड़ रहे हैं उस वैकेंसी पे, सारे टूट पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो फिर स्केलिंग होती है नॉर्मलाइजेशन की, किसी के पक्ष में पड़गी ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं पड़ी तो वो अनलकी बन जाता है। तो ये लक और अनलक का फैक्टर ये तभी हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ कम और कई साल बाद निकलती हैं, फिर उसमें बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, उनका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना, कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाता है, हो गई कहानी ख़त्म। वो तब हुआ करता था हार्ड वर्क का टाइम, जब आज से 10-12 साल पहले कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था कि भाई बच्चे कम हैं, वैकेंसियां बल्क में आ रही हैं, ठीक है, और आप वहां पे पेपर देने जा रहे हो, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम है, कोई नॉर्मलाइजेशन का चक्कर नहीं है। तो आप जब नौकरी लेते थे तब आपकी नौकरी हार्ड वर्क वाली मानी जाती थी, आज की नौकरी 50-50 का गेम हो गई है। सही बात है, जिसको पसंद आएगा वो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। आज की नौकरी 50-50 का गेम हो गया है, 50% आपको हार्डवर्क चाहिए तो 50% आपको लक भी चाहिए, ठीक है। TV में अच्छे नंबर लाने के बावजूद बाहर हो जाते हैं बच्चे, ये होता है चांस। तो अब बोलो लक नहीं होता, हर डिपार्टमेंट में लक है, ठीक है। तो जब तक लक साथ नहीं देगा आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, लक जरूरी है साथ देना, सीधी सी बात है, ठीक है। किसी भी टाइप के एग्जाम में, ये यहाँ पे सब, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल फील्ड की बात नहीं कर रहा, टेक नॉन टेक दोनों के, ठीक है। आजकल चपड़ासी बनने के लिए भी लक चाहिए, ग्रुप डी में भी, MTS बनने के लिए भी लक चाहिए, वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन हो रही है। तो जब आजकल बंदा ग्रुप डी लेवल की जॉब हार्डवर्क से नहीं ले सकता तो ऑफिसर लेवल JEE AE ये क्या बिना हार्डवर्क, ये क्या बिना लक के बन जाएगा, खुद सोचो आप। तो लक मैटर करता है भाई, प्रेजेंट टाइम में लक मैटर करता है, क्योंकि कहावत भी है, जब किस्मत हो खराब तो क्या उखाड़ लेगा नवाब, मतलब किसी राजघराने का नवाब भी कुछ नहीं उखाड़ सकता जब तक उसका लक सही साथ ना दे, मैटर ना करे। और ये सही बात होती है, कोई एग्ज़ाम उठा के देख ले प्रेजेंट टाइम का भी, RRB JEE का आएगा ना वैकेंसी, उसमें देख लेना क्या हेर फेर होता है, ठीक है, बहुत तगड़ा, क्योंकि RRB JEE की भी बहुत टाइम बाद वैकेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है उसमें भी, ठीक है। UPSL में भी कंपटीशन इन्होंने बढ़ा दिया, पहले एक एक साल में वैकेंसी आया करती थी, अब दो दो साल कर दिया, कल को पंचवर्षीय योजना ना बन जाए। तो जिस तरीके का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें चिल्लाना तो बंद करें, मैं इतना हार्ड वर्किंग, वो उतना हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कंबिनेशन है दोनों का, हार्ड वर्क प्लस लक का। और ये आपको बात कबूल करनी पड़ेगी, कभी कभार पेपर बहुत अच्छी तैयारी होती है, पेपर टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है, कभी कभार आके भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी कि आप निकाल रहे हो, कोई झट से आपकी वो होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आंसर कुछ आना था, आंसर कुछ और आ गया, मतलब स्टूडेंट जानता है कि सॉल्व कैसे करना है, लेकिन एक छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक भी आपकी रफ शीट के अंदर आंसर को गलत करा देती है आते हुए को, अब लक नहीं हुआ क्या। तो लक भाई होता है, और जितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हैं उनको ये कबूल करना पड़ेगा कि भाई लक भी चलना चाहिए। जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, अभी फ्रेशर वालों को नहीं मेरी ये वीडियो सही लग रही होगी क्योंकि उन्होंने तो अभी एग्ज़ाम दिए नहीं। जब आप एग्ज़ाम देने लग जाओगे कोई से भी, UPPCL UPRVNL
कोई से भी एग्ज़ाम देने लग जाओगे, पावर ग्रिड कुछ भी किसी भी तरीके से, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लक होता है, लक बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे आप टेक्निकल फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे नॉन टेक, सब कुछ ले रहा हूँ मैं लाइमलाइट में, बिना लक के आप नहीं निकाल सकते प्रेजेंट टाइम में एग्ज़ाम कोई भी। यानी कि आपका लक भी चलना चाहिए, ठीक है। तो भैया अगर आप हार्ड वर्क प्लस लक के कॉम्बिनेशन पे बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं करते तो मत करिए, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। पर ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको कि तैयारी में तभी आप उतरिए यदि आप ऐसे सोचने वाले हैं कि आपको लक की भी ज़रूरत है और होती है। ठीक है, और होएगी वो, ठीक है। धन्यवाद।